नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सुंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोग के पास में डायरेक्ट मिलती रहती। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सभी लोग औरतें यार कमेंट करती है कि सर ये बताइए कि डांड में दर्द, घुटना में दर्द, एक गठिया की बीमारी क्यों होती है। तो दोस्तों आप लोगों से एक मैं बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग कांदा के पत्ता जो है वो अगर खाते हैं तो कांदा के पत्ता बिल्कुल मत खाइएगा, क्योंकि जो औरतें या मर्द कांदा का पत्ता जो खाते हैं, जिनको मोटा मोटा होता है, 2-2.5 किलो के बैठता है मिट्टी में, उसको बहुत खन करके खुदाई करके रोपाई होता है, तो उस कांदा को आप लोग बिल्कुल मत खाइएगा। क्योंकि उस कांदा को खाइएगा तो समझिए कि 1-2 लाख 4 लाख रुपया लग जाएगा और आपके गेंठिया की बीमारी जो है पैर में घुटने में पकड़ लेता है और हाथ में भी पकड़ लेता है, तो आपको कभी भी वो छूट नहीं पाएगा। ये मेरा गारंटी है, क्योंकि जो लोग कांदा का पत्ता ज्यादा खाते हैं उन्हीं लोगों को ये सब बीमारी हो जाती है। उसके कारण जो है वो बायां पैर में फलेरिया की बीमारी होती है उसी के कारण, और जो लोग गाय का दूध खाते हैं जर्सी उससे भी फलेरिया की बीमारी होती है, और ज्यादा ठंडा सामान खाने से यानी कि दही खाने से होती है फलेरिया की बीमारी। तो फलेरिया की बीमारी से बचना है तो ये 2-3 चीज जो है वो बिल्कुल मत खाइएगा। जिन लोगों के शरीर में ठंडी महसूस होती हो उनको ये सब चीज जो है वो बिल्कुल नहीं खाना है। गर्म गर्म सामान खाना है, जैसे कि जो हो गया खाना में हो गया लहसुन डाल करके बनाइएगा जरूर, और रोटी का सेवन जरूर ठंडी के मौसम में कीजिएगा, और गर्मी जब भी आए तो गर्मी के मौसम में भात दाल सब्जी कुछ भी खाइए, लेकिन सब मिर्चा मसाला जो है वो डाल करके सब्जी बनाइएगा, तो कोई प्रदूषण आने वाला होगा वो शरीर में उत्पन्न नहीं होगी। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा मिर्ची डाल दीजिए, तेल डाल दीजिए, पैसा नहीं रहने के कारण जो है ये सब मसाला कम पड़ता है, तो उसके कारण जो है हम लोग के घर में शरीर में घर परिवार में सब बीमारी हो जाती है, और सब पैसा जो है हम लोग जितना भी कमाए हुए होते हैं वो सब बीमारी में खर्च हो जाती है और हम लोग हाथ पकड़ के रह जाते हैं। तो इस बीमारियों से अगर आपको बचना है तो ये सब चीज जो है वो बेरावा करके जरूर खाइएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता दुर्गा जी से हम हर दम हर वक्त रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जहां भी रहें वहां खुशहाल रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें खूब खेलें कूदें, मस्त रहें। थैंक यू दोस्तों।